हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमन और आप देख रहे हैं अमन टेरेस गार्डन। तो फ्रेंड्स, प्लांट की अच्छी ग्रोथ लेने के लिए और प्लांट्स में जल्दी से फूल लेने के लिए और उनको अच्छा बुशी और घना बनाने के लिए आपको उनकी समय समय पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो वही हम आज करने वाले हैं। मेरे भी कुछ प्लांट रखे हुए थे जो कि काफ़ी दिनों से रिपोर्टिंग करने थे मुझे, तो वही प्लांट मैं आज आपके साथ में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, कुछ प्लांट कई दिनों से मुझे रिपोर्ट करने थे लेकिन हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। लगभग 2 सप्ताह से हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी, तो वो सारे काम मेरे पेंडिंग रखे हुए थे। जब हमारे यहाँ पर कल बहुत तेज़ बारिश हुई है तब मैं इन प्लांट को रिपोर्ट करने वाला हूँ, जो कि मेरे पास कुछ कंटेनर पड़े हुए थे। तो वैसे तो प्लांट्स काफ़ी सारे रिपोर्ट करने हैं लेकिन हम टाइम निकाल के थोड़े थोड़े प्लांट करते रहते हैं क्योंकि सारे एक साथ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज मैं इन 4 प्लांट को आपके साथ में रिपोर्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप रिपोर्ट करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। कंटेनर मैंने ले लिए हैं और मिट्टी एकदम पोरस बनाए, जो कि एकदम वेल्ड्रन हो और पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये जो आप मिट्टी बनाई है फ्रेंड्स, मैंने ये आपके साथ में बनाई थी पहले। यदि आप इसका वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट करेंगे ये टिकोमा, जो कि है पर्पल कलर का टिकोमा, मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ में ज़रूर शेयर किया था। तो ये जो छोटा सा प्लांट मेरा आया था, लगभग 2 इंच का मेरा प्लांट था, और अब देखिए कितना ज़्यादा बूशी और बड़ा ये बन चुका है। इसको मैंने पिंच कर करके ही इतना ज़्यादा बूशी बना दिया है, और अब मैं इसको इस बड़े वाले कंटेनर में देने वाला हूँ जिससे कि ये और ज़्यादा बूशी बन जाए और काफ़ी जल्दी ये फ्लावरिंग पर भी आ जाए। तो रिपोर्ट करने से पहले मैंने थोड़ी सी मिट्टी हटा ली है क्योंकि प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा था, इसको रूट बॉल को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है क्योंकि एकदम वेल्ड्रन मिट्टी थी और बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें फैल चुकी थी। तो इसको हम इसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जो कि आने वाले दिनों में बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही घना प्लांट बनने वाला है और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक प्लांट रिपोर्ट हो चुका है, और अब मैं दूसरा वाला प्लांट रिपोर्ट करने वाला हूँ जो कि है जेट्रोवा का। ये रेड कलर का जेट्रोवा है, कॉमन कहीं भी आपको पार्क वगैरह में कहीं भी देखने को मिल जाएगा। और इस प्लांट को इस 4 इंच के कंटेनर में मैंने आपके साथ में स्प्रिंग सीजन यानी कि फरवरी मंथ में आपके साथ में ग्रो किया था, और अब देखिए कितनी ज़्यादा वेल रूटेड ये प्लांट बन चुका है और बहुत ही ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो चुकी है। तो इसको भी मैं इसी बड़े कंटेनर में देने वाला हूँ ताकि ये समय के साथ अपनी ग्रोथ को और ज़्यादा तेज़ी से फैले और बहुत ही सुंदर से इसमें फ्लावर्स ब्लूम करें। जेट्रोफा एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है फ्रेंड, जिसमें बंचेज में फ्लावर आते हैं और काफ़ी खूबसूरत से इसके कलर्स होते हैं। कई तो इनकी पत्तियों में भी वेरिएशन होता है, यदि फ्लावर्स नहीं भी आते हैं तब भी इनकी पत्तियों का शेप बहुत ही अच्छा सा लगता है। तो फ्रेंड्स, वो जेट्रोफा भी हमने रिपोर्ट कर दिया है, और अब जो हमारा तीसरा प्लांट है वो है ये नागचंपा, जिसको मैंने 1 साल पहले कटिंग से लगाया था इसी वेस्ट ग्रो बैग में। तो अब इसको भी हम रिपोर्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसानी से रिपोर्ट कर देंगे इसको। और देखिए फ्रेंड्स, एकदम वेल्ड्रन मिट्टी मैंने इसकी बनाई थी तो कितनी आसानी से निकल कर बाहर आ चुका है। तो इसकी भी रूट्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, इसको भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हालाँकि बरसात के दिनों में आप इस प्लांट को बिल्कुल मिट्टी झाड़ कर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी एकदम अच्छी सी सोइल है तो मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और इसकी रूट से भी ज़्यादा नहीं फैली है तो इसको एज इट इज़ लगा देंगे, जो कि काफ़ी अच्छे से अपनी ग्रोथ करेगा। तो जब इस तरीके के प्लांट को हम कुछ थोड़ा सा बड़ा कंटेनर देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही जल्दी अपनी ग्रोथ करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने चंपा के भी लगा दिए हैं, नाग चंपा काफ़ी खूबसूरत से इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं और खुशबू तो उनकी बहुत ही अच्छी होती है। तो बहुत ही अच्छे से प्लांट है जिसको भी हमने रिपोर्ट कर दिया है। तो अब हम लगाने वाले हैं हमारा चौथा वाला प्लांट, जो कि है बोगनविलिया। ये बहुत ही अच्छा सा शेड है, लाइट पर्पल कलर का इसका शेड है। इसको भी मैं नर्सरी से लेकर के आया था और बहुत ही अच्छा सा ये प्लांट है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसको भी हम रिपोर्ट करने वाले हैं। इसमें भी छोटी छोटी कलियाँ भी बनने लगी हैं, फ्लावर्स भी ब्लूम करने वाले हैं। जैसे ही हम इसको बड़ा सा पॉट देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से खिल जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी बनने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको भी हम जल्दी से रिपोर्ट करेंगे। तो अब इसकी थोड़ी सी गमले की मिट्टी को हम हटा लेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी जम गई थी पानी में, एक बारिश में पानी में ये थोड़ी सी जम गई थी, तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं और उसके बाद इसको लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप
किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करें तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, या तो आप उसके रूट बोर्ड को रूट जो उसकी है वो उसको डिस्टर्ब ना करें, साइड साइड से ही उसकी मिट्टी को हटाएं और उसको बहुत ही अच्छे से लगाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो नर्सरी से लाया हुआ प्लांट है, इसको मैंने बड़ी आसानी से इजली तरीके से निकाला है ताकि ये पॉली बैग भी मेरे काम आ जाए। और इसमें रेड वाली सोइल है तो हम इसके साथ में इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्ले सोइल होती है, वो कुछ समय बाद अपना प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये सारी मिट्टी में हटा दे रहा हूँ और अपने यहाँ की ब्लैक मिट्टी में इसको लगाऊंगा ताकि ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे और मेरा प्लांट सालों साल चल सके फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से मैंने सारी मिट्टी हटा ली है जो कि रेड कलर की थी और अब इस प्लांट को हम इसमें बहुत ही आसानी से रिपोर्ट करने वाले हैं। वैसे तो रिपोर्टिंग के मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं जो कि मैंने पहले आपके साथ में शेयर किए हुए हैं, लेकिन ये प्लांट मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इनको शेयर करूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बोगनविलिया भी लगा दिया है। हालांकि बोगनविलिया के मेरे पास 3 से 4 कलर और भी हैं, जब उसमें ब्लूमिंग होगी तो वो भी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चौथा वाला प्लांट भी हमने लगा लिया है और सारे ही कंटेनर मैंने यूज़ किए हुए हैं, ऑयल के खाली कंटेनर हैं जो कि बहुत ही अच्छे से बने हुए थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट हमारे रिपोर्ट होकर के तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अपने प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप भी इस तरीके से प्लांट्स को बड़े कंटेनर्स में रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी बरसात का टाइम है तो आप किसी भी प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। और नाग चंपा की कटिंग बहुत ज़्यादा है, लेगी हो रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया है। आप चाहो तो इसको अलग लगा भी सकते हो कहीं पर, लेकिन मैं नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास इसके 2-3 प्लांट ऑलरेडी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ प्लांट जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इन विच अमन टेरेस गार्डन। धन्यवाद।